हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर के बारे में समझाता हूं और इसका काफी आगे यूज है। इसको आप याद रखना, ये कैसे वर्क करता है। और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर या विस्थापन संकारक, या इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या होता है, देखो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। अगर वाई बराबर एफ एक्स एक एक्स का फलन है और ये एक्स के वैल्यू है, x की वैल्यू दी हुई है, क्या है a प्लस है, a प्लस 2 है और ऐसे में इसकी x की कंटिन्यूस वैल्यू दी हुई है। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है किस पे लगा रहे हैं, पॉइंट a पे लगा रहे हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर को हम कैपिटल e से लिखते हैं और ये fx फंक्शन है और x की x किस पॉइंट पर है, a पॉइंट पर है। तो इसका शिफ्ट ऑपरेटर पॉइंट a पर x बराबर a पर क्या होगा, f a प्लस h होगा और h क्या है, इंटरवल है। और e को हम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर या इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन संकारक बोलते हैं। अब मैं दो बार इसका ऑपरेटर e स्क्वायर करूं यानी x बराबर a पर दो बार इसको शिफ्ट करूं तो देखो कैसे वर्क करता है। e दो e स्क्वायर है, इसको मैं e और e f लिख सकता हूं और ये e फर्स्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f a प्लस h। अब इसमें मैं वापस क्या लगाता हूं, शिफ्ट ऑपरेटर लगाता हूं तो एक एच और ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए सिमिलरिटी हो रही है, जब e 2 हो रहा है तो h क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर e 3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। अगर e 4 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। इस प्रकार कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जनरल वे में लिख सकते हैं, अगर n बार इसका शिफ्ट ऑपरेटर काम में लें तो क्या हो जाएगा, f a प्लस n h हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप याद रखना, आगे हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर में, तो ये काम में आएंगे और आगे जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने में भी ये शिफ्ट ऑपरेटर काम में लिया जाता है। अगर ध्यान रखना एक और रिजल्ट है, अगर e की पावर क्या हो, माइनस n हो, हम क्या करेंगे यहाँ माइनस n लिख सकते हैं। और एक e के ऊपर 0 हो यानी 0 ऑपरेटर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 है। और एक ध्यान रखना, अगर e स्क्वायर है fx है तो हम e fx का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ e f को लिखेंगे तो शिफ्ट ऑपरेटर काम में लिया जाता है, इसलिए e स्क्वायर हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको इस लेक्चर में याद रखना है कि ये शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो ध्यान रखना कोई भी पॉइंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे निकाल रहा है उस पॉइंट में वो इंटरवल ऐड हो जाएगा। अगर एक बार ले रहे हैं तो एक बार ऐड होगा, दो बार ले रहे तो क्या होगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 बार ले रहे तो 3 टाइम ऐड हो जाएगा। जनरल वे में n टाइम ले रहे हैं, n बार शिफ्ट ऑपरेटर ले रहे हैं तो n टाइम इसका हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।